यो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं हीरो ब्रेन SMP के टॉप 5 हाउस के बारे में, जो कि एकदम शानदार है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओनली 1% बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, बाकी के 99% बंदों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइज, आपको देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाना। तो इस वीडियो में गाइज, मैंने जितने भी हाउस इंक्लूड किए हैं वो सारे मैंने अपने तरह से किए हैं। अगर आपके ओपिनियन से मुझे किसी और हाउस को ऐड करना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट कर देना कि आपके हिसाब से आप किस हाउस को कितने नंबर देते। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जाने का रास्ता। ये देखो, बाहर से तो एकदम बढ़िया लग रहा है। आई गेस सेम टाइप के फ्लावर्स मुझे दोनों साइड लगाने चाहिए। स्टिल यार, क्या ये मस्त लग रहा है। ये पानी वगैरह, ये देखो यार, यहाँ पे बैठने के लिए जगह। वाह यार, यहाँ पे तो और भी बड़ा सा सोफा बना है, और मस्त यार जो लुक है ना, फुल्ली यार, फुल्ली मॉडर्न। ये देखो, ये साइड अपना बेडरूम है जहाँ पे ये फायर प्लेस है, देन यहाँ पे दो बेड है, एंड मस्त दिख रहा है यार सब कुछ। और इधर अंदर आते यहाँ पे एक बाथटब भी बना दिया है मैंने, एंड ये साइड भाई ये देखो टॉयलेट भी। ओके, जिसको आना है तो आ जाओ। गए, क्या ही मस्त लग रहा है। अभी वो साइड दिखाता हूँ मैं आपको अपना एरिया, जो कि एक किचन यानी कि डाइनिंग एरिया। ये देखो, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बस यहाँ पे कुछ है ना बैनर्स आते हो कि वो लगवाने पड़ते तो एकदम अच्छा हो जाता है। वो हम लोग लगवाएंगे बाद में, क्योंकि मुझे अभी से ठीक से बनवाना उनको आता नहीं है। मुझे नहीं पता, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब चलो देखते इसमें जैसे क्या क्या पता जानबूझ के बनाया गया हो, ताकि सब्सक्राइब कर दो, चलो लाइक कर दो, यूज करते ऐसे। चल यहाँ पे तो कुछ नहीं, ठीक है। देन ये साइड को देखते कुछ है क्या। ओके, चेस्ट है क्या यहाँ पे पहली बात तो। ओके, यहाँ पे बस एक बैरल है बट चेस्ट नहीं है। ये क्यों रखा है इसमें, कुछ होता कैसे, कुछ से हुआ मुझे लगा कुछ होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ से तुम लोग ये हमारा छोटे वाला आइलैंड तुम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग ओर्स का इस्तेमाल किया है इसको एक नेचुरल लुक देने के लिए, और वाइंस का इस्तेमाल किया साथ ही साथ। ये गाइस हमारा सेकंड वाला, इसमें मैंने एग्जैक्ट सेम किया है, और ये है हमारा गाइस थर्ड वाला। ये तो लिटरल इतना ज्यादा एपिक लग रहा है कि क्या ही बोलूं यार, बहुत ज्यादा मतलब एकदम नेचुरल लुक आ रही है। और यहाँ से देखो तुम लोग इसको नॉर्मली है ना, एकदम बस एक छोटी सी कमी मुझे इसे पता क्या लगी ना, जो हमारा सबसे बड़े वाला आइलैंड है ना, अगर मैं इसको 6-7 ब्लॉक उस साइड के लिए खिसका देता, जितना गैप इन दोनों के बीच में दिख रहा है उतना गैप इन दोनों के बीच में भी दिखता। बट ये चीज मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया बिकॉज इसका साइज ना नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना बड़ा बनाऊंगा इस सबसे ऊपर वाले इस आइलैंड को। मैं तुम लोगों को ऊपर जाकर दिखाता हूं मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह करे हैं। ओके सीरियस गाइस, किसी को ना कानो कान खबर नहीं होगी, यहाँ पर हमारा लॉन्चिंग पैड है। यहाँ पर जो बंदा इस पानी को उसे लॉन्च करके जाएगा वही हमारे आइलैंड तक यू नो सही सलामत पहुंच सकता, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। फिर ऐसे हमारे इस पॉन्ड के अंदर जाना है, पॉन्ड से जाएंगे डायरेक्ट ऊपर। देखो मैंने यहाँ पर खड़ा होने के लिए डायरेक्ट यहाँ से लोग जाएंगे, एंड दिस इज आवर बेस गाइस, चेक दिस आउट हमारा बेस। ओह माय गॉड, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है यार, आई एम सो शॉक। यस ओके, तो इसको करते हैं बंद। ओ ओ ओ ओके ओके, तो गाइस इसको करते हैं बंद, इधर से चलते हैं अंदर। गुड़ 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 आउ रस्सी में लगती है भाई हर बार, ठीक है। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे एंट्री करें, ये देखो ये हमारा क्रेजी फर्नेस रूम, बिल्कुल सही दोस्तों, ये हमारा क्रेजी फर्नेस रूम। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एकदम स्मेल्टिंग करेंगे, सब कुछ एकदम बूम बाम रहेगा। यहाँ पे मेरे को भी भरना है सब में कोल, तो थोड़ा कोल भी फार्म करूंगा मैं। ये हमारा आयरन फार्म, ये दोनों तो ऐसा समझ रहे हो कुछ काम के नहीं है, बस शो पीस वाली चीजें हैं। और कभी कभार अगर नेदर में मेरे को जाना हुआ तो कुछ बूट शूट निकालूंगा ऐसे। और ये है अपना क्या कहते हैं ये ब्रूइंग स्टेशन। अब ये ब्रूइंग स्टेशन का देखना है कुछ तो मैं करूंगा इस ब्रूइंग स्टेशन का, और थोड़ा अच्छा बनाऊंगा, अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके ऊपर से ये रहा हमारा बेडरूम एरिया, और यहाँ पर मेरे डॉमगीज रहेगा और हमारी बिमली रहेगी, ठीक है। और हम लोग अभी बनाएंगे इसको, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। मैं हो सकता है मैं इधर को एक्सटेंड करूँ, तो हम लोग ये जो स्टेशन है ना, ये ब्रूइंग स्टेशन पूरा हम लोग एक अलग जगह पे रख देंगे। हम लोग इधर को अगर इसको एक्सटेंड करते हैं स्ट्रीम पे, तो मैं वहाँ पर ब्रूइंग स्टेशन बना दूंगा, और क्या पता ब्रूइंग स्टेशन के साथ साथ हम लोग वहाँ पर एन्चेंटमेंट रूम भी बना देंगे, तो दो टू इन वन बन जाएगा एकदम क्रेजी सा, ठीक है। तो वो हो गया, एक बार मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ये बाहर से कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रेजी लगा मेरे को इसलिए। ये देखो भाई, वो इसे ऊपर से देखा, देख रहे हो भाई वो फायर देख रहे हो जो मैंने लगा रखी है चारों तरफ से भाई,
क्या मस्त लग रही है मैन, लिटरली ब्रो। वही बाकी ये देखो गाइस सामने टावर है और ये टावर अपना ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है? तो आप लोग अंदर आ जाओ, इसमें कैसे ट्रेनिंग करनी है क्या क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। चौपाती भाई टावर देख लो एक बारी, इसमें से 10 में से कितने नंबर दिए जाएंगे? टावर लिखा नहीं, 10 में से 120। और रज्जू भाई 10 में से 500। भाई ये तुम्हारा अलग ही साथ। और बिक्सु का मैंने कुछ गलत बोला होता तो मैं 10 में से 10 obviously क्या बनाया है, वाओ। आ जाओ थोड़ा सा टूर दे दूं, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है। बिक्सु की बिक्सु ने जो बोला उसमें कोड था, बिक्सु ने बोला क्या बनाया यार। अरे नहीं मैंने रिएक्शन के साथ बोला वाओ भाई देखो ये डिसेड योर टावर, ये डिसेड योर टावर। हमारा देखो 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 हमारा प्लान था भाई, इस टावर में हम लोग ऐसे ऐसे लग्जरी फ्लैट्स निकलेंगे, सबका अलग अलग फ्लोर होगा, पर इसे इसे मुझे ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट करना पड़ा है। ये टावर आप इतना अच्छा मत समझो अंदर से, अरे वैसा ही बनना था बट अब ये ट्रेनिंग सेंटर हो चुका है। रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लो, इधर रिस्पॉन पॉइंट कुछ नहीं बनाया। बाकी ये टॉप फ्लोर आपके लिए, यहाँ पे चेस्ट चेस्ट है, ये देखो ये बेड है अपने, बट यहाँ पे ऐसा समझ रहे हो ना महंगे बेड है, तो यहाँ पर ऐसे अपना काफी सारा सामान, अभी सामान मत लेना यार, सामान इम्पोर्टेंट है थोड़ा वैसे। नहीं, 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 कोई कुछ नहीं लेगा। हाँ तो यहाँ पे कुछ पोशंस वोशंस बना रखे हैं, ये हमें जब थोड़ी पीवीपी की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ना, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ है, तो इससे अगर हम इसको पी के बंदा मारेंगे ना तो उसको ज्यादा डैमेज जाएगा। पी और... के बंदा मारना उज्जवल को धक्का दे। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।